हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम शुभम महाजन। और आपको पता ही है दोस्तों, हमने जो है एक लाइव सेशन शुरू किया हुआ है जिसमें आपकी रिवीजन जो है कराई जाएगी। ठीक है, रिवीजन जो है मेरा काम रहेगा। वहां पे आपको जेएनके यूटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंटली जो जेके एसएसबी ने जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो आपको जो है प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मदद हो पाए। ठीक है, आपके क्या काम है, आप पढ़ते रहिए। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट काम है, हमारे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन को जो है पूरी तरह से दबा के रखिए, ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी आप सबसे पहले जो है उसको देख पाए। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा लेट हो गए हम, देखते हैं 2 मिनट बस देखते हैं, फिर करते हैं शुरू। हम जम्मू एंड कश्मीर से हमारा रिलेशन रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं, वो जो है आपको कराए जाएंगे। उसके साथ आपको पता ही है जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करना मेरा काम है, और वो जो है मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, करें शुरू। फिर पहली वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको पता ही है जेके एसएसबी वाले कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले उन्होंने पूछे होते हैं वो जो है रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो हमारा लाइव सेशन है। पहला सेशन रहेगा हमारा जे एंड के नॉलेज के साथ। चलिए, अब आपको पता ही है हमारी स्टेट अब जो है यूटी बन गई है 2019 से है, बट हमें तब भी लगता है कि अभी भी हमारी जो है स्टेट है। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर हंगूल? हंगूल के बारे में पता है आपको क्या होता है? एक छोटी सी टेल होती है इसकी, ठीक है, रेड पिगमेंट्स होते हैं इसके ऊपर, रेड पैचेस होते हैं इसके ऊपर, तो पहले हमारा स्टेट एनिमल भी था ये। ठीक है, तो हंगूल के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, कहां पे पाए जाते हैं, जिसका दूसरा नाम कश्मीरी स्टैग है। ठीक है, ये आपको एक चीज यहीं से पता चल गई क्वेश्चन से ही, ये चीज आप याद रख लेना। हंगूल का दूसरा नाम, लोकल नेम जो है उसका नाम हंगूल होता है, ठीक है, तो उसका अगर साइंटिफिक नेम जो है वो आता है कश्मीरी स्टैग। तो ये कहां पे पाए जाते हैं, बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या इसका ऑप्शन ए होगा काजीनाग नेशनल पार्क होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क? किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में पता है आपको, हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ये, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। या हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख यूटी में आता है आजकल, तो थर्ड वाला आता है सी ऑप्शन, डचीगम नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डचीगम नेशनल पार्क है ये, जहां पे जो है हंगूल या कश्मीरी स्टैग जो है पूरी तरह से पाए जाते हैं। आज के टाइम पे जो है इनको थोड़ा एंडेंजर स्पीशीज की कैटेगरी में जो है डाल दिया गया हुआ है। अब थोड़ा पीछे अगर चले जाए, 1941 की टाइम पीरियड में जो है इनकी हमारी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में जो पॉपुलेशन होती थी तब 3000 to 5000 के बीच में जो है पाई जाती थी, बट आज के टाइम पे शिकार वगैरह करने की वजह से जो है इनकी पॉपुलेशन थोड़ी जो है कम हो गई है, तो इनको जो है एंडेंजर स्पीशीज में रखा हुआ है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको रखा हुआ है, हमारी जे एंड के की यूटी जो है, जो पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी जो है इनको कैटेगरी में रखा हुआ है एंडेंजर स्पीशीज की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा, तो वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना कि आपकी क्या स्कोरिंग रही है, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। चलिए अब चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है ये। इससे क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन में या ये जो टाइम पीरियड था इसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल जो एरा था बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आपको पता ही है तीन चार तरह के जो है यहाँ पे डायनेस्टीज रही हैं, पहले मुस्लिम, सबसे पहले हिंदू रूल था, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम रूल यहाँ पे आ जाता है, जिसमें फिर बाद में चक रूल आता है, फिर मुगल पीरियड आता है, फिर बाद में लास्ट में क्या आता है हमारे यहाँ पे अफगान रूल आता है, जिसके बाद यहाँ पे फिर सिख रूल आता है, फिर सबसे लास्ट जहाँ पे हमारे डोगरा जो एक आइडेंटिटी यहाँ पे शुरू हो जाती है, डोगरों को जो है ज्यादा यहाँ पे जो है एक पोजीशन सॉलिड पोजीशन हो जाती है, वो जो है इस ट्रीटी के बाद या जो है इस जो चीज हुई थी उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे डोगरा रूल जो है शुरू हो जाता है। ठीक है,
इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी ट्रीटी के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है एक पूरी तरह से नई तरह की जो है ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में जो है पेश हो जाती है। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से आपको आंसर पता भी होगा, बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए ठीक है, कईयों ने बताया भी है इसका आंसर शायद, हाँ ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह क्या करते हैं, ब्रिटिशर से क्या करते हैं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से जो है खरीद लेते हैं। अब दो तरह की जो है ट्रीटीज होती हैं इसमें, ये मार्च का पीरियड होता है, ठीक है, मार्च का पीरियड 1846 का, जब जो है दो ट्रीटीज की जाती है, जब एंग्लो सिख वॉर होती है, एंग्लो सिख वॉर होगी ब्रिटिशर्स और हमारे जो सिख उस समय जो रूलर थे उनके बीच में जो है ये वॉर होती है। महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो है यहाँ पे कहीं पे नाम नहीं आएगा क्योंकि उनकी जो है यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई थी, उनकी लड़ाई से पहले जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह की ट्रीटीज होती है, एक होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1946, ठीक है, इसके कुछ दिन पहले जो है एक और ट्रीटी होती है 9 मार्च 1846 ये होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में जो है साइन हुई थी, दो सेकंड का बस टाइम दूंगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका, ये आपके इंडियन हिस्ट्री में भी जो है आपके काम आएगा, ये नहीं है कि खाली आपने जेएनके यूटी की ही जो है हिस्ट्री पढ़नी है, जो इंडियन हिस्ट्री को भी आपने पढ़ के जाना है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है उस समय महाराजा जी के जो बेटे होते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे, 7 साल उनकी जब जो है एज होती है, ठीक है, राजा दलीप सिंह, ठीक है, ये चीज याद रखना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है नहीं पता हो, तो ये मेरा काम था आपको बताना, तो आपको जो है अब मेरे को लगता है इसमें कोई भी आगे से जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर, कौन सा है हमारे यहां पे सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, बताइए क्या आंसर है इसका। ये जेके एसएसबी ने रिसेंटली जो है अपना एग्जाम जो हुआ था सब रजिस्ट्रार का, शायद वहां पे जो है ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, बताइए क्या आंसर है इसका। और एक चीज और बता देता हूं, ये 1633 एडी में बनाया गया था हमारे यहां पे कश्मीर में। ठीक है, और इनका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निषाद बाग या निषाद गार्डन। ठीक है, ये है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो हमारे कश्मीर में 1633 एडी में बनाया गया था, मुगलों ने यहां पे बनाया था और इन जिन्होंने बनाया था उसका नाम था आसिफ खान। ठीक है, ये चीज भी आपको पता चल गई, आसिफ खान ने जो है इसको बनाया था और ये ब्रदर थे नूर जहान के। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दीजिए लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, बताइए लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, यहां पे वो ऑप्शन नहीं है तो बता देता हूं आपको, लार्जेस्ट मुगल गार्डन आएगा शालीमार बाग। ठीक है, अब इसका बता दीजिएगा, आपको शायद पता भी होगा किसने बनाया था ये शालीमार बाग, किसने बनाया था वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। बायोनॉमिकल नेम ऑफ कश्मीरी मस्क डियर, ठीक है, हमारे यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्क डियर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने यहां पे जो है बायोनॉमिकल नेम पूछा हुआ है कश्मीरी मस्क डियर का। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए क्या आंसर होगा, वेरी गुड, सबको पता था इसका क्या आंसर है, जहांगीर, ठीक है, सही बता रहे हैं सारे। तो आगे राहुल थापा जी, अहमद अशफाक, इन्होंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सही बताया, वेरी गुड, सारों का ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, मॉस्कस क्राइसोगेटर, ये चीज याद रखना आप, अगर नहीं पता था आपको किसी को, मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर बताया, वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं।
11th schedule of the Indian Constitution which deals with panchayat had how many functions? यहां पे लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये इंडियन पॉलिटिक है, माना कि ये इंडियन पॉलिटिक है, बट यहां पे जो है हमारे लोकल जो बॉडी होती है म्युनिसिपैलिटीज उनके बारे में जो है मेंशन होता है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। 29 आइटम्स जो है के ऊपर जो है डील करता है हमारा 11th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और पंचायत के साथ जो है ये पूरी तरह से काम करता है, सॉरी मैंने म्युनिसिपैलिटीज बोल दिया, वहां पे पंचायत के साथ जो है ये काम करता है। और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया था। ये ओरिजिनल पार्ट नहीं था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई उसके बाद जो है ये ऐड किया गया। अब मुझे ये बताइए कौन से ईयर में जो है 73rd अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज प्रोन टू सेसमिक एक्टिविटीज And comes under the seismic zone V. Seismic zone 5th के अंडर जो है कौन सी हमारी यूटी आती है? अगर जम्मू एंड कश्मीर का हम काम कर रहे हैं तो वहां पे जम्मू एंड यूटी, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी ही जो है आंसर होगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाता है जेके एस एस बी वाले भी जो है मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि जेके एस एस बी वाले जो है आसान क्वेश्चन ही हर बारी पूछते हैं, तो उन्होंने जो है एक बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, मेरे को तो मुश्किल लगता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। जो ये सेसमिक जोन होता है ना वी, इसमें खाली जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता, और भी स्टेट्स आती हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, नॉर्थ बिहार हो गया, फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, फिर उत्तराखंड हो गया, ये सब एरिया जो है मिला के, अंडमान एंड निकोबार, सॉरी, ठीक है, ये सब मिला के जो है इस एरिया में जो है पूरी तरह से ये सब, ये पूरी बेल्ट जो होती है, ठीक है, ये सब जो है सेस्मिक जोन वी के अंडर जो है आते हैं ये, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की यूटी भी जो है आती है। चलिए अब आगे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विल हैव द पावर टू मेक लॉस इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बार बार आपको कहता हूँ ये पढ़ के जरूर जाना, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा कौन सी ऐसी जो है पावर है जिनके पास जो है सारे लॉस वगैरह बनाने के जो है पावर रहेगी अभी भी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा, पार्लियामेंट। वैसे ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, मेरे को तो आसान लगता है। अब देखो आगे बताइए इसका क्या, आपको क्या पता था इसका, सॉरी बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन, दक्षिण या राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। कश्मीर के लोगों को तो शायद पता ही होगा, उनको तो पता होगा गारंटी है, तो जम्मू के लोगों को हो सकता नहीं पता होगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका। दक्षिण या राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहां पे लोकेटेड है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, एक आइडिया मैंने हिंट आपको दे दिया, वैसे तो सारे ही कश्मीर की जो है इन्होंने पूछी है डिस्ट्रिक्ट, तो इसका जो है बताइए क्या आंसर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां पे जो है दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक चीज और आपको बता दूं, अब जब एग्जाम आपका कोई भी होगा ना, जेके एस एस बी के रिलेटेड या स्टेट के रिलेटेड कोई भी होगा, वहां पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है पढ़ के जाना, उसमें जो है कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या नेशनल पार्क से, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही दोनों चीजों का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना, अगर मुझे लगा तो आपको जो है वीडियो भी इसकी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, 5-5 मिनट की जो है एक रीडिंग आपको बस देनी है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, सामने क्लियर कट हो जाता है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में जो है कौन कौन सी जो है फ्लोरा या फौना पाया जाता है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा इसके ऊपर। चलिए आगे, हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये जो है आपकी इंडियन जीएस में से पूछा हुआ है, इंडियन जीके भी आप इसको कह सकते हो, तो इसका जो है एक आंसर बता दीजिए क्या है, वैसे ऑप्शन बताइए इसका पहले क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर है, जो इनका आंसर होगा ना, जो भी इसका आंसर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो जो है फर्स्ट मेयर थे, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ग्रैंड ओल्ड दिल्ली का खिताब जो है उनको 1992 की क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है इनको ये टाइटल मिला था। ठीक है, ये चीज भी आपको पता चल गई, अब तो आप बता सकते हैं ना इसका क्या आंसर होगा। जी सही कहा वानी ताहा, ठीक है, बरकतुल इस्लाम सही आंसर है, सारों का वैसे सही है, सॉरी सरोजनी नायडू नहीं होगा, अजय शर्मा जी सरोजनी नायडू नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये चाहे जे एंड के यूटी से नहीं था बट आपको इंडियन जीके का भी जो है पूछा जाएगा, तो चलिए एक सरप्राइज भी आप इसको समझ सकते हैं, वहां पे जो है एक इंडियन जीके का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये चीज आप नोट कर लेना, ये फर्स्ट मेयर थे दिल्ली के, साथ में 1992 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है इनको ग्रैंड लॉर्ड रेड्डी का जो है किताब मिला था। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका आंसर सबको पता होगा यार, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें उस समय क्या होता है 40 दिन की जो है बड़ी हार्श विंटर जो है पड़ती है, और क्या होता है वहां पे जो जो ग्लेशियर्स के ऊपर या वहां की जो लेक्स के ऊपर जो बर्फ पड़ती है वो पूरी तरह से जम जाती है, ठोस हो जाती है, डल लेक जो है उस टाइम पे पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है। आपने हर साल जो है वहां पे देखा होगा न्यूज में, हर बार होता है डल लेक जो है जम गई है, और वो इन्हीं 40 दिन के टाइम पीरियड के बीच में जो है होता है, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आएगा, चिले कलान। ठीक है, चिले कलान जो है इसका सही आंसर होगा, 40 दिन का ये जो है हार्श विंटर का जो है टाइम पीरियड होता है, उस समय जो है क्या होता है यहां पे जो भी बर्फ पड़ती है तो वो जो है जमने शुरू हो जाती है। और एक चीज और आपको बता दूं, चिले कलान का जो फर्स्ट डे होता है ना उसको वर्ल्ड फिरन डे भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब तो मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो कौन कौन सी डेट में जो है इसके बीच में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब 10 क्वेश्चंस हो गए, अब 20 रह गए हैं, बताइए इसका क्या आंसर होगा। व्हेन इज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये आपको पता ना, मानसून अगर पढ़े हुए आपने, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में दो तरह के होते हैं, नॉर्थ वेस्ट या एक साउथ वेस्ट जो है मानसून होता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो इन्होंने ये यहां पे पूछा हुआ है कौन से टाइम पीरियड में जो है साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जून से लेकर सितंबर तक का पीरियड होता है वो। ठीक है, अगर नहीं आपको आता है सीजन जो है आपको अगर नहीं पता होंगे, या मानसून जो है जम्मू एंड कश्मीर का, कोई बात नहीं, आपको कराया जाएगा। और इसके साथ साथ 6 जो सीजन होते हैं कश्मीर के वो भी बड़े जरूरी हैं, वो भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन भी है हमारे यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रेफर टू एस निक्कू मुट इन जम्मू एंड कश्मीर, बताइए क्या आंसर है इसका। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इसका, सोयाबीन को जो है निक्कू मुट कहा जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में।
या निक्की मुठ भी कहते हैं इसको, ठीक है, निक्कू मुठ या निक्की मुठ जो भी कोई ऑप्शन होगा उसको जो है आप वहां पे एक मार्क करके आ जाना। चलिए आगे, 13th क्वेश्चन, आफ्टर द 14th सेंचुरी द श्रीनगर सिटी जो है कौन से रूलर्स के अंडर जो है आ जाती है, बताइए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता चल जाएगी, जो लास्ट डायनेस्टी, जो लोकल डायनेस्टी थी हमारी कश्मीर की, उसके बारे में भी पता चल जाएगा कौन से लास्ट ऐसे लीडर थे या रूलर थे वहां के, और किसने जो है यहाँ पे वो वाला पीरियड जो है शुरू कर देते हैं 14th सेंचुरी में, ठीक है, या 14th सेंचुरी के बाद। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा, मुगल पीरियड, ठीक है। मुगल पीरियड के जो सम्राट अकबर थे ना, उन्होंने हमारे यहां पे जो है कश्मीर में, उन्होंने हमारे कश्मीर में जो है मुगल सल्तनत जो है शुरू की है। उससे पहले अगर बात की जाए बाबर या हुमायूं की, उन दोनों ने हमारे कश्मीर में जो है बड़ी ज्यादा ट्राई तो की थी उसको कॉन्कर करने की कश्मीर को, बट जो है वो कश्मीर को कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो उस समय जो है चक रूल होता था यहां पे, जिन्होंने पूरी तरह से रेजिस्टेंस दिखाई है मुगलों को, ठीक है, ये चीज याद रखना। और लास्ट मुगल चक रूलर थे उस समय यूसुफ शाह चक, ये चीज भी आप याद रख लेना। चलिए आगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो हमारे पेड कोर्सेज जो है वहां पे आपको मैंने हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर की पढ़ाई है, वहां पे आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा इसको, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब जो है वहां पे आपको मेंशन हो जाएगी। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सही है, सही बताया आप सबने, यूसुफ शाहचक, ठीक है ठीक है। चलिए आगे, बसोली आर्ट पेंटिंग की जो है कौन सी बर्थ प्लेस, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, ये सबको पता भी होगा, आजकल लोग वहां पे घूमने भी जाते हैं, ठीक है, अतल सेतु ब्रिज जो है देखने जाते हैं वहां पे, जो लेक बनी है रावी रिवर के ऊपर वो भी सब देखने जाते हैं, डैम देखने जाते हैं वहां पे, वहीं से जो है लोग बनी भी जाते हैं बसोली से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो है बसोली आता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब एक चीज आपको और बता दूं, बसोली आर्ट पेंटिंग जो है हमारी एक हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो है आती है, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पूरी तरह से मान्यता दी है, और ये सिमिलर है चंबा आर्ट पेंटिंग्स को, ठीक है, बसोली आर्ट जो है स्कूल भी बना हुआ है वहां पे, तो ये चीज याद रखना आप। चलिए अब आगे चलते हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कब जो है फोर्स पे आया था, कब जो है वो पूरी तरह से हमारे इंडिया में जो है लागू हो गया था, बताइए इसका क्या आंसर है। इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा जो है सही आंसर होगा, ठीक है 1993 में जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जो पूरी तरह से लागू हो जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये भी इंडियन पॉलिटी का जो है क्वेश्चन था। चलिए अब आगे, लोग बड़ा लेट आ रहे हैं, क्या बात है, 6 बजे क्लास थी, अभी अभी लोग जो है आ रहे हैं, लॉग इन हो रहे हैं थोड़े, तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से इसको जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा फिर से वापस जाके जो है देख सकते हैं, कोई बात नहीं, बेनिफिट तो आपको तब भी मिलेगा ही मिलेगा इसका। बताइए इसका अब क्या आंसर होगा, इसका भी शायद आपको आंसर पता होगा, जब श्रीनगर से जो है झेलम रिवर जब पूरी तरह से पास कर जाती है तो फिर कौन सी लेक के अंडर जो है ये जाके पड़ जाती है, या कौन सी लेक जो है इसका रास्ता भी डिसाइड करती है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। पता था इसका आंसर, सबको पता होगा, कभी कभी क्या करते हैं जेके एसएसबी वाले आसान क्वेश्चन भी डाल देते हैं ना, तो मुश्किल तो डालते हैं आसान भी डालते हैं वो, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, वुलर लेक, वुलर लेक के अंदर जो है झेलम रिवर गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, विच इज कॉल्ड द रियल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आ गया ना मुश्किल क्वेश्चन,
ठीक है, एक क्वेश्चन आसान था तो दूसरा जो है जेके एसएसबी वालों ने साथ में गिफ्ट दे दिया, मुश्किल क्वेश्चन। कौन सा जो टर्मिनल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी का, जिसको जो है रेल हेड भी कहा जाता है हमारी जेएंडके की यूटी में, ठीक है, वो आता है जम्मू तवी रेलवे जंक्शन, या जिसको जम्मू कहते हैं, ठीक है, इसी को रेल हेड भी कहा जाता है हमारे जेएंडके यूटी में। चलिए अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द पीर पंचाल रेंज एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल टू द साउथ ऑफ शोपियां डिस्ट्रिक्ट, या शोपियां जिसको हम कहते हैं। बताइए कौन सी लेक है, श्रीनगर आपको पता भी है सिटी ऑफ लेक्स है, या कश्मीर आप पूरा जो है कह सकते हैं वहां पे लेक्स ही लेक पाई जाती है, बट ये लेक जो है थोड़ी स्पेशल है, ये 4000 मीटर की हाइट पे जो है पाई जाती है, ठीक है, और ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट के साउथ में पड़ती है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है कोसरनाग, ठीक है, कोसरनाग लेक जो है ये आती है वहां पे। अब कोसरनाग लेक जो है हमारे अगर हिंदुइज्म में बात की जाए थोड़ा वहां पे इसकी हिस्ट्री भी आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब मनु ऋषि को मत्स्य अवतार जो होते हैं भगवान विष्णु का, उन्होंने जब कहा था कि आप जो है एक बोट बनाइए जिसमें जो है सारी ह्यूमैनिटीज को या वेद्स को सप्तऋषि को रखो आप, उनको बचाना है, तो वो बोट जो है जब तैरती है हमारे इसी कोसरनाग लेक में ही जो है तो अटक जाती है आके, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो अगर आप थोड़े हमारी हिस्ट्री के साथ अगर थोड़ा आपके साथ रिलेशन है तो फिर आपको याद रह सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, सही कहा, विष्णुपाद भी कहते हैं इसको, क्या नाम है इनका, लुब्ना माग्रे, सही कहा आपने। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या था ये, अच्छा, बोटेनिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन जो है 19th क्वेश्चन है, ये कब बना था, ये श्रीनगर में कब जो है सेटअप हुआ था इसका, बताइए क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा इसका, 1969 में जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन जो है जो डल लेक के किनारे में जो है पाया जाता है, श्रीनगर सिटी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहां का, तो ये जो है 1969 में जो है इसकी फाउंडेशन वहां पे रखी गई थी, ठीक है। चलिए अब आगे, विच रिवर फ्लोस इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द जंस्कार रेंज बिफोर क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कौन सी रिवर जो है जंस्कार रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में जो है फ्लो करती है, ठीक है, ये रिवर जो है वहां पे वेस्टर्न तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद ये लद्दाख रेंज में आती है, फिर उसके बाद जंस्कार रेंज में जाती है ये, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये लास्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान चले जाती है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आपको कोर्स बता दिया मैंने, वेस्टर्न तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लद्दाख रेंज में हमारे इंडिया में जो है एंटर होती है, जंस्कार रेंज में फ्लो करते हुए फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है चले जाती है, क्या आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा इसका, रिवर इंदस, ठीक है, तीन रिवर्स तो हो ही नहीं सकती हैं ये, क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये हमारे हिमालय रिवर्स के साथ जो है इसका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम में भी नहीं आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालय रिवर्स में पता है ना क्या फर्क होता है, बताइए क्या फर्क है। हिमालय रिवर्स क्या होती है, पेरिनियल होती है, जबकि जो हमारी वो होती है पेनिनसुलर रिवर्स होती है सीजनल होती है। चलो, विच इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट विच वॉज बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल हु रिपेल्ड द चाइनीज फ्रॉम लद्दाख, महाराजा गुलाब सिंह के ये फेमस जो है जनरल थे, महाराजा रणजीत सिंह ने जो है इनको यहाँ पे स्पेशली जम्मू में भेजा था और इनकी देखरेख में भेजा था महाराजा गुलाब सिंह की, इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान जो है महाराजा गुलाब सिंह को जीत के दिया था, ये आपको पता ही होगा, जनरल जोरावर सिंह,
तो इन्होंने कौन सा फोर्ट जो है बनाया था चाइनीज से हमारे लद्दाख को जो है बचाने के लिए? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, भीमगढ़ फोर्ट या रियासी फोर्ट, ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं। विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू ब्लैक बुलबुल्स? इसके बारे में पता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? जेके जी एंड के, आपने क्या नाम है इनका, रविंद्र महाजन। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मार्केट में बड़ी ज्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, बस आपको ये है कि कोई भी एक बुक लेनी है उसके ऊपर जो है पूरी तरह से विश्वास करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको पता ही है गूगल या विकिपीडिया आपके लिए है ही है, कोई भी आप बुक ले लीजिए तो आपको जो है बेनिफिशियल रहेगी वो। तो इसका बताइए क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आंसर रहेगा डचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। डचीगम नेशनल पार्क इज द होम ऑफ ब्लैक बुलबुल्स। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर वॉज सोल्ड बाय ब्रिटिशर्स टू राजा गुलाब सिंह? ये शायद हमने पहले भी किया, तब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बात हुई थी। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? 1846 एडी में, ठीक है। और आपको पता ही है महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था, 75 लाख रुपीज जो है पे किए थे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से जो है जीत लिया था। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इट वॉज अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर की हमारी जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से जो है आजाद रही थी। आपको पता ही है कि जो भी हमारा नेशनल स्ट्रगल होता है उस समय हमारे जम्मू एंड कश्मीर का कहीं भी जो है मेंशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मेंशन है? क्योंकि वहां पे पूरी तरह से जब हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी वहां पे जो है लिखा गया था, प्रोविजन था शायद 6 क्लॉज था ये हमारे वहां का, कि हमें जब भी कोई जरूरत पड़ेगी ब्रिटिश आर्मी जो है हमारी मदद करेगी, और उल्टा हमें भी जो है उनकी मदद करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो उस समय जो है महाराजा रणबीर सिंह ने जो है ब्रिटिशर्स की मदद की थी, ठीक है, ये चीज याद रखना आप। जिसकी वजह से उनको एक अवार्ड भी मिला था, स्टार ऑफ द नाइटिंगेल कुछ ऐसे करके जो है उनको अवार्ड भी मिला था जब उन्होंने 1857 में ब्रिटिश जो है सोल्जर्स की मदद की थी। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन सी रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है, और ये सिंध रिवर और गार रिवर की जो है कॉन्फ्लुएंस की वजह से बनती है, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो गार रिवर है ना, गार रिवर का नाम ही जो है इसका दूसरा नाम आता है। पहले इसका ऑप्शन बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, इंदस रिवर, ठीक है। गार रिवर का नाम जो है गार गार सेंगपो, ठीक है। ये कैलाश रेंज में जो है माउंट सॉरी कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है ना उसके पास ही जो है ये बनती है रिवर। इसी की वजह से जो है इंदस रिवर का नाम भी जो है टिसेंगपो पर रखा हुआ है, ठीक है, गार सेंगपो, और ये गार वैली में जो है फ्लो करती है। और ये दोनों रिवर सिंध रिवर और गार रिवर ही जो है इनकी वजह से जो है इंदस रिवर बनती है, ठीक है, ये चीज याद रखना आप, ये इंडियन हिस्ट्री में भी आपके काम आएगा, जे एंड के की जो यूटी हिस्ट्री है या सॉरी ज्योग्राफी है वहां पे भी जो है आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे। सिंध रिवर तो अब हमें पता ही है, सिंधु रिवर जो है इसको कहते हैं, तो साथ में गार सैंक वो जो वहां पे तिब्बत में जो इसका नाम है इसी की वजह से पड़ता है, ठीक है, लुबना मागरे जी का जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये। चलिए आगे, इसका आंसर तो पता ही होगा आपको, सबसे पहले ये सदर रियासत भी थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, और पहले गवर्नर भी रह चुके हैं ये, युवराज करण सिंह। युवराज करण सिंह इसलिए क्योंकि उस समय वो युवराज थे, ठीक है, ये पहले हमारे सदर रियासत भी रह चुके हैं, और करण सिंह सॉरी हमारे जो पहले गवर्नर थे जे एंड के स्टेट के उस समय वो भी रह चुके हैं। और ये गवर्नर कब बने थे ये बताइए आप, 30 मार्च 1965 में, ठीक है, ये चीज याद रखना। और अब आपने एक काम करना है, सदर रियासत जो है मुझे बताना है कब तक ये रहे थे और कब बने थे, ठीक है, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। चलिए बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
चलो अब आगे चलते हैं। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। कौन से कुषाण रूलर थे, ये कुषाण एम्पायर हमारे कश्मीर में भी रह चुका है, ठीक है, जिनकी वजह से जो है, जिनके अंडर हमारे यहां पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है होती है, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ना कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी है टोटल फोर ही जो है इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपको पता ही है वह सम्राट अशोक ने करवाई थी, तो फोर्थ वाली जो है हमारे कश्मीर में हुई है, ठीक है, और उस समय जो कश्मीर में जहां पे हुई थी ना उसका नाम, एरिया का नाम था हरवन, HARWN, हरवन एरिया, ठीक है, जहां पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और जिन्होंने ये करवाई थी उनका नाम था सम्राट कनिष्क, ठीक है, कुषाण रूलर थे ये, पता चल गया इसका आंसर। चलिए आगे, इसका आंसर पता होगा आपको, कश्मीर वालों को तो पता ही होगा, 28th का क्या आंसर होगा बताइए। विच इज द ऑटम सीजन कॉल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, मेरे को नहीं लगता मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, वैसे तो बताना तो पड़ेगा ही मुझे, सही आंसर क्या होगा इसका बताइए, क्या है ऑटम सीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में, या कश्मीर में जो है क्या कहा जाता है इसका, ठीक है, और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा हरूड, हरूड जो है इसको ऑटम सीजन कहा जाता है कश्मीर में। अब जो कश्मीर जो है ना वहां पे सिक्स सीजन जो है पाए जाते हैं, इनके क्या आंसर बताऊं मैं आपको, क्या नाम है इनके, पता तो होगा वैसे आपको, इसके क्या जो है, जो छह तरह के सीजन है कौन कौन से पाए जाते हैं, एक पाया जाता है सोंत, ग्रीष्म, वहरत, ठीक है, फिर आता है हरूड, फिर आता है फिफ्थ आता है वंडा, ठीक है, फिर आता है लास्ट में शिशुर। बता देता हूं आपको, सोंत, फिर आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म हो गया गर्मी का, फिर क्या आता है वहरत, फिर आता है हरूड, फिर आता है फिफ्थ आता है वंडा, लास्ट आता है शिशुर, जिस समय यहां पे क्या होता है चिले कलान का जो है टाइम पीरियड होता है। अब आपका एक काम है कि ये सिक्स सीजन जो है आपने याद रखने हैं, इनका इंग्लिश नेम क्या है, ठीक है, लोकल नेम आपको बता दिया मैंने, अब आपने जो है इनका इंग्लिश नेम जो है याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब दो क्वेश्चन बचे हैं अब बस हमारे, सीजन ऑफ कश्मीर करना बड़ा जरूरी है, इसमें भी जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, यहां पे पहले जो है मार्क कर दिया गया हुआ है हमने, टेक्निकल फॉल्ट इसको आप कह सकते हो, इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, ठीक है। इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, क्या होता है जब भी हमारे यहां पे लोकसभा में क्या होता है टाई हो जाता है वोट्स के ऊपर, तो उस समय क्या होता है फिर हमारे स्पीकर क्या करते हैं अपना कास्टिंग वोट जो है देते हैं, उससे पहले जो है वोटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच लेक्स आर कंसिडर्ड टू बी ट्विन लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इसका आंसर आपको पता होगा, जम्मू और कश्मीर के दोनों को लोगों को पता होगा ये, क्या आंसर है इसका, सुरिंसर लेक और मानसर लेक, डी ऑप्शन, ये कहां पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ जो है हमारी आज की जो सीरीज जो है हमारी खत्म होती है, बताइए क्या आपकी स्कोरिंग रही है, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी ये भी आप बताइएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स होंगे हमारे चैनल के वो जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आप अच्छी जगह जो है लग जाइए, हमें उससे ज़्यादा खुशी क्या मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे, थैंक्स अ लॉट गाइस, पढ़ते रहिए आप, गॉड ब्लेस यू।